आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। राजस्थान में सामने आए 48 नए कोरोना पॉजिटिव, 3 लोगों की हुई है रविवार को मौत। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 10,385 तक जा पहुंची है। इस प्राणघातक बीमारी से अब तक 2,034 लोगों की राजस्थान में मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार आ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कुल 48 नए मामले सामने आए, इसके साथ ही 3 पीड़ितों की यहाँ पर मौत भी हुई। इसके साथ ही राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 10,385 तक पहुँच गई है। वहीं इस प्राणघातक बीमारी से अब तक यहाँ पर 234 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 2,545 एक्टिव केस है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 33 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज जयपुर से है। वहीं दूसरे स्थान पर जोधपुर है, यहाँ पर भी लगातार कोरोना पॉजिटिव का मामला 1,000 से ऊपर है। इसके बाद भरतपुर और पाली जिले हैं, कर्मस यहाँ पर भी ज़्यादा मरीज संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह कि जोधपुर में ईरान से 61 लोग और BSF के 50 जवान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं जिलावार की बात करें तो जयपुर में 2,212 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं जोधपुर से 1823, भरतपुर से 613 और पाली से 587 मामले आए हैं। वहीं उदयपुर से 586 और कोटा से 509, नागौर से 495, डूंगरपुर से 374 और अजमेर से 363 मामले सामने आए हैं। वहीं झालावाड़ से 327, सीकर में 273 और सिरोही में 296, चित्तौड़गढ़ में 193, टोंक में 170, जालौर में 169, भीलवाड़ा में 167, राजसमंद में 161, वहीं झुंझुनू जिले में 161 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चूरू जिले में 152, बीकानेर में 110, बाड़मेर में 106 और बांसवाड़ा में 86 मामले सामने आए हैं। वहीं 7,050 कोरोना मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि राज्य में अब 2 व्यक्ति भी पॉजिटिव, राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों के 2 लोग भी पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 4,94,480 सैंपल की जाँच की गई है, जिनमें 10,385 लोग पॉजिटिव आए हैं, जबकि 7,050 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में अब कुल 2,545 एक्टिव केस है। वहीं आज 105 नए केस रिकवर हुए हैं। सोमवार से राज्यों में खुल जाएंगे मॉल्स और धार्मिक स्थल, लेकिन करना होगा इन शर्तों का पालन। लॉकडाउन 4 के समाप्त होने के बाद अब पूरे देश में अनलॉक 1 लागू हो गया है। इस दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ सरकारें कुछ शर्तों के साथ बहुत सारी गतिविधियों को अनुमति दे रही है, लेकिन अब राज्यों में मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन कई राज्य सरकार कल से धार्मिक स्थल और मॉल्स में कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कतारों में सभी व्यक्तियों को कम से कम 6 फीट की दूरी पर खड़ा रहना पड़ेगा। इसके अलावा पुजारी और श्रद्धालु एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और वहाँ पर किसी भी पवित्र जल या प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर एक ही मेट और देरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं परिसर के अंदर शौचालय एवं हाथ पांव को धोने के स्थान पर स्वच्छता का ख्याल अनिवार्य रूप से करना होगा। राजस्थान में भी कई धार्मिक स्थल तो फिलहाल नहीं खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने सख्ती से निर्देशों के साथ क्लब को भी खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लोगों को अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने भी धार्मिक स्थलों और पार्कों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन सरकार ने यह साफ किया है कि धार्मिक स्थलों पर बैठने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लोगों को ये व्यवस्था खुद ही करनी होगी। इसके अलावा राज्य में पार्क तो खुलेंगे, लेकिन वहाँ पर कड़े नियमों के साथ आम नागरिकों को प्रवेश मिलेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि राज्य में रेस्टोरेंट और मॉल्स खुल जाएंगे, लेकिन होटल और ब्लैक होल अभी बंद रहेंगे। लेकिन मॉल्स में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में सोमवार से सस्ते दामों पर शराब की दुकानों पर भी शराब सस्ते दामों पर मिलने लगेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोरोना टैक्स हटाने का ऐलान किया है। इस टैक्स के हटने के बाद दिल्ली में शराब एक बार फिर सस्ती हो जाएगी।
कोरोना की जंग के बीच राजस्थान का दावा, टेस्टिंग और ट्रेसिंग में राजस्थान है नंबर वन। राजस्थान की सरकार का दावा है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग के बदौलत राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश में नंबर वन राज्य राजस्थान हो गया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि राजस्थान का रिकवरी रेट 73.54% हो गया है, जो देश में सर्वाधिक। उन्होंने कहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बदौलत ये हासिल कर पाए हैं। राजस्थान सरकार के अनुसार राज्य में अब तक 5 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। फिलहाल राजस्थान में 20,500 टेस्ट रोजाना करने की क्षमता है और अगले 5 दिनों में राजस्थान में रोजाना 25,000 टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि टेस्टिंग में राष्ट्रीय औसत में प्रति 10 लाख में 3,342 है, जबकि राजस्थान में प्रति 10 लाख में 6,420 है। राजस्थान में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,385 है। ये हमने जो टेस्ट ज्यादा किए और जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ही पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे, और पॉजिटिव केसेस आना कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है कि राजस्थान की रिकवरी रेट 73.24% है, जो कंट्री की सबसे ज्यादा है। अगर 10,385 आदमी पॉजिटिव है हुए अब तक, तो 7,606 लोगों को रिकवर भी किया, ठीक होके घर चले गए वो। कुल मिला के जो हमारा डबलिंग का डेज है वो 21 दिन है। हमारा जो मृत्यु का प्रतिशत है वो भी 2.25 है, जो 3-4 राज्यों की मृत्यु दर के बराबर है। बाकी जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ की मृत्यु दर तो कहीं ज़्यादा है, राष्ट्रीय औसत भी कहीं ज़्यादा है। आज प्रति 10 लाख अगर टेस्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत जो आ रहा है 3,342, और प्रति 10 लाख में जो औसत हमारे टेस्ट हो रहे हैं राजस्थान में वो है 6,412। हमारे से 2 राज्य आगे हैं टेस्टिंग में, एक तमिलनाडु और एक दिल्ली। बाकी पूरे देश में 3रे नंबर पर हाईएस्ट टेस्टिंग हमारी हो रही है। अब तक करीब 5 लाख टेस्ट हम कर चुके हैं। अकेले SMS अस्पताल में 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं। और जिस तरह से राजस्थान में रिकवरी का जो परसेंटेज है, पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज है, पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज भी 2.10% है। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं को रीट का इंतजार, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने की है ये बात। रीट 2020 रीट को लेकर राजस्थान के युवाओं में अजमसिस बरकरार है। युवाओं का कहना है कि रीट की विज्ञप्ति जारी हुई है, ना रीट लेवल 2 का पैटर्न जारी हुआ है, जिसमें युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 24 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने 21,000 पदों पर 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2 अगस्त 2020 को रीट के माध्यम से करवाने की घोषणा की थी, लेकिन 5 महीने 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से ना तो रीट की विज्ञप्ति जारी हो पाई है, ना ही रीट लेवल 2 का पैटर्न जारी हो पाया है। ऐसे में प्रदेश के 11 लाख से ज़्यादा बेरोजगार असमंजस की स्थिति में है। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि रीट शिक्षकों की भर्ती 2020 की विज्ञप्ति और लेवल 2 का पैटर्न जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर सके। वहीं कांग्रेस के प्रदेश की महासचिव सुशील शर्मा ने रीट 2018 में चयनित 26,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। पत्र तब भाजपा सरकार ने रीट परीक्षा भर्ती 2018 के चयनित 26,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अटकाने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई भाजपा राष्ट्रीय नेताओं ने रीट को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी की थी। उस समय कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु पर आ गई, और उसी समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को लिखित में लेटर दिया था और कहा कि सरकार बनते ही रीट की विसंगतियों को दूर करना और रीट के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद राजस्थान सरकार बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने कांग्रेस को समर्थन देकर रेट विवाद में कांग्रेस को मजबूती प्रदान की थी। अब वही कांग्रेस पार्टी ने अब घोषणा पत्र में डाला था कि कांग्रेस पर सरकार आते ही प्राथमिकता के साथ रेट के सभी विसंगतियों को दूर करके जल्द से जल्द रेट के माध्यम से बेरोजगारों को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन
पाँच माह 13 दिन बीत जाने के बाद में भी न तो कोविड की विषमता दूर हो पाई है न ही विज्ञप्ति जारी हो पाई है। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगारों में रोष बढ़ता जा रहा है। वह राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की मांग है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को रीट में शामिल किया जाए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता पर यादव का कहना है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में डाला गया था कि रीट के सभी विसंगतियों को दूर किया जाएगा, इसलिए सरकार से मांग है कि ऐसी सभी विसंगतियों को दूर करते हुए जल्द से जल्द रीट 2020 की विज्ञप्ति रीट लेवल 2 का पैटर्न जारी किया जाए, जिससे 11 लाख बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो सके।